Hello everyone, welcome back to Boundless Learning. In this video, I'll be continuing with the full syllabus revision or we'll be discussing the previous year and important questions of physics chapters one by one. So let's get started with the first chapter, light. And the first question says the diagram given below shows an object O and its image I. So we know that this is a convex lens. And the object is kept between optical center and focus. So the image would be formed beyond 2F on the same side of the lens. And the nature of the image would be virtual and F. So the first question says, without actually drawing the ray diagram, state the following, the type of lens. So we can clearly see this is a converging lens. Name two optical instruments where such an image is obtained. So convex lens is used in simple microscope as well as magnifying glasses or hand glasses that we commonly use. List three characteristics of the image. If this lens is replaced by a concave mirror of focal length S and an object is placed at a distance F by 2. अब देखो अगर हमने इस convex lens को हटा के concave mirror रख दिया और उन्होंने बोला हमें कि object placed है हमारा at a distance F by 2. मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड होगा बिटवीन पोल एंड फोकस एंड वी नो जब भी पोल और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है तो उसकी इमेज फॉर्म होती है बिहाइंड द मिरर विच इज एनलार्ज्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so that it forms an image at a distance of 30 centimeter from the mirror. Also calculate the size of the image. So yahan pe hume given hai ki we have a concave mirror aur given hai hume focal length. Now we know concave mirror ka jo focal length hota hai it's always negative, so focal length would be minus 20 centimeter. Height of object is plus 4 centimeter. U we have to find out. U is object distance from the pole of the mirror. We have to find that out and height of image. Also we have to find. अब ये जो U और हमारा I है ये we know negative होगा और जब हम ये calculate करेंगे तब भी ये देखेंगे कि दोनों की values negative आएंगे. So according to the mirror formula, वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय वी प्लस वन बाय यू. यहाँ पे हमें वन बाय एफ की वैल्यू पता है वन बाय माइनस 20 इज इक्वल टू यहाँ पे वी भी हमें गिवन है इट्स 30 सेंटीमीटर सो माइनस 30 सेंटीमीटर वन बाय माइनस 30 प्लस वन बाय यू वी हैव टू फाइंड आउट. तो यहाँ से वन बाय यू की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वन बाय माइनस 20 प्लस 1 बाय 30. फ्रॉम हियर 1 बाय यू कम्स आउट टू बी 1 बाय माइनस 60. यहां से हम यू की वैल्यू निकाल सकते हैं. यू की वैल्यू वुड बी माइनस 60 सेंटीमीटर. इस चीज को हम कंफर्म भी कर सकते हैं बाय मेकिंग अ रे डायग्राम. ये हमने बनाया एक कॉनकेव मिरर जिसका ये पोल है इसका फोकस होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. फोकस कहाँ पे है? फोकस है हमारा 20 सेंटीमीटर पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारा 30 सेंटीमीटर. द ऑब्जेक्ट प्लेस एट 60 सेंटीमीटर सो द ऑब्जेक्ट वुड बी प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अकॉर्डिंगली जो हमने रे डायग्राम्स प्रैक्टिस किए थे उसमें हमें पता है कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर उसकी इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ. बिटवीन सी एंड एफ यहाँ पे 30 सेंटीमीटर आएगा ये भी ठीक है. सो द आंसर विच केम आउट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर 60 सेंटीमीटर इट्स करेक्ट. नेक्स्ट पार्ट सेज आल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म. अब हमें एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है माइनस वी बाय यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो यहां से हमें वी की वैल्यू पता है माइनस 30 यू की वैल्यू है माइनस 60. यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे. हाइट ऑफ इमेज निकालनी है हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास प्लस
सेंटीमीटर। यहां से हाइट ऑफ इमेज हम निकाल सकते हैं -30 इंटू 4/60, विच कम्स आउट टू बी हाइट ऑफ इमेज -2 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारी इमेज हाइट बनेगी ये होगी -2 सेंटीमीटर, माइनस बिकॉज ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की साइड साइड है। तो अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन सिस्टम इसको हम इसकी वैल्यू नेगेटिव लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 एंड अल्कोहल हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36, विच ऑफ द टू मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर। सो वी नो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है दैट सब्सटेंस और दैट सोल्यूशन इज ऑप्टिकली डेंसर। तो यहाँ पे एल्कोहल इज ऑप्टिकली डेंसर एंड गिव रीजन। तो गिव रीजन इसका ये होगा, जब भी वॉटर और एल्कोहल के सोल्यूशन को हम ऐसे लेंगे, वेन द लाइट पासिस फ्रॉम वॉटर टू एल्कोहल द इंसिडेंट रे वुड बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो ये रीजन है वाई एल्कोहल इज डेंसर एज कम्पेयर टू वॉटर। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग ओब्लीकली फ्रॉम वॉटर टू एल्कोहल। ये वॉटर है हमारा रेयरर मीडियम और ये एल्कोहल है हमारा डेंसर मीडियम। तो जब वॉटर से एल्कोहल में रे ऑफ लाइट मूव करेगी तो इट वुड ये ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था हमारी लाइट का, बट इट इज बेंडिंग और इट इज रिफ्रैक्टिंग एंड द लाइट रे इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, मेकिंग एन एंगल आई एंड आर रिस्पेक्टिवली बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड। लास्ट पार्ट से स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ वी नो अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है इट्स ऑलवेज कॉन्स्टेंट और यही होता है हमारा स्नेल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अ लेंस, राइट इट्स एसआई। तो पावर क्या होता है, हमारी लेंस की पावर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ राइट रेज। हमारा जो लेंस है वो कितनी डिग्री पर लाइट रे को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। क्योंकि हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/focal length। इसकी एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। The next part says a student uses a lens of focal length 40 centimeter and another of -20 centimeter. तो यहाँ पे first lens की focal length है 40 centimeter और second lens की focal length है -20 centimeter. तो अब यहाँ से हम nature और power of the lens बताना है। Nature हम ये बता सकते हैं कि क्योंकि इसकी focal length positive है so this is a convex lens. और दूसरे वाले की जो focal length है it is negative so this is a concave lens. Second हमें पावर फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट की पावर हो जाएगी 1/focal length, which comes out to be 1/40/100, क्योंकि हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा, so this would come out to be 100/40, which is +2.5 diopter. Second वाले की भी focal length ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे हम, 1/-20/100, which is 100/20 negative. So इसका जो हमारी पावर आएगी दैट वुड बी -5 diopter. The next question is that we have to draw ray diagrams in each of the following cases to show the formation of image when the object is placed between optical center and principal focus of a convex lens. हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, इसके प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट हम रखेंगे तो पोजीशन हमारी फॉर्म्ड होगी बियॉन्ड F1 ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज वुड बी एनलार्ज्ड एंड नेचर वुड बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड पार्ट सेज एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस के बीच में, कॉनकेव लेंस के सामने बिटवीन इंफिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर कहीं भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट केप्ट होगा सो द इमेज वुड बी फॉर्म्ड बिटवीन focus and optical center, size would be diminished and the nature would be virtual and erect. Third part says at 2f of a convex lens. Again, ये हमारा convex lens है, 2f1 पे हमारा object kept होगा, so image would be formed at 2f2 and the size of the image would be same size, nature would be real and inverted. With this, we have come to an end of the chapter, light.
नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई. नाउ ऑल्दो ये सिर्फ 2 मार्क्स का है, इसमें बेसिकली टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. एक तो है एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन आई एंड सेकेंड उसके डिफेक्ट्स. डिफेक्ट्स वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर पेपर में आया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया. वॉट काइंड ऑफ लेंसेज करेक्ट दिस डिफेक्ट. हमें पता है कि जो जब भी किसी पर्सन को मायोपिया होती है वी यूज कॉनकेव टाइप ऑफ करेक्टिव लेंसेज, और जब हाइपरमेट्रोपिया होती है उसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंसेज यूज करते हैं. बट अगर किसी पर्सन को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों साथ में है तो उसके लिए हम यूज करते हैं विच इज कॉल्ड बायफोकल लेंस. बायफोकल लेंस यूजुअली बनता है बाय कंबाइनिंग बोथ द कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस. दिस इज अ टाइप ऑफ बायफोकल लेंस जहां पे एक होगा हमारा कॉनकेव लेंस और उसी के साथ अटैच्ड होगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस टू करेक्ट द प्रॉब्लम इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया एट द सेम टाइम. The next question is the near point of the eye of a person is 50 centimeter. If the nature, अच्छा यहाँ पे we know normal near point हमारा क्या होता है eye का 25 centimeter. Now if the near point has increased to 50 centimeter, ये कौन सा eye defect होगा? This would be hypermetropia or long sightedness. This would be hypermetropia or long sightedness. Find the nature and power of the corrective lens required. अब इसके लिए हम कौन सा करेक्टिव लेंस यूज करेंगे? We will use convex lens for correcting hypermetropia. And power of the corrective lens required. अब power find out करना है. So we know hypermetropic eye के लिए हमारा जो image distance है, object distance है, that would be minus 25 centimeter. Image distance जो है, that would be minus 50 centimeter since it is a case of hypermetropia. यहां से अगर हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करें, लेंस फॉर्मूला वुड बी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. सो यहां से 1/f वुड कम आउट टू बी 1/-50 माइनस 1/-25. सो लेट्स सॉल्व दिस. 1/-50 प्लस 1/25. This would come out to be 1/50. So, यहां से हम क्या बोल सकते हैं? The focal length of the lens comes out to be 50 centimeter या फिर 0.5 meter. अब यहां से अगर हम power निकालना चाहें lens की, so the power would be 1/0.5 which is 2 diopter. अब यहां पे हमारा lens का जो power है, वो positive high है, so the lens would be converging lens or convex. The next question, a student needs spectacles of power minus 0.5 diopter for the correction of his vision. Name the defect in vision if the student is suffering from. अब यहाँ पे हमारा जो lens है that is minus 0.5 diopter. अगर minus में हमारे lens की power होती है, so that is a concave lens. और concave lens हम कौन से defect के लिए use करते हैं? For myopia. So the student is suffering from myopia. Find the nature and focal length of this corrective lens. Nature हो जाएगा हमारे इसका concave and the focal length would be 200 centimeter. 200 centimeter हम इसको कैसे find out कर सकते हैं? क्योंकि हमको power दे रखी है minus 0.5. So focal length हमें पता है is 1/p. That would come out to be 1/-0.5 which comes out to be 200 centimeter. लास्ट वन इज लिस्ट टू कॉजेज फॉर दिस डिफेक्ट. मायोपिया यूजुअली क्यों होता है? या तो हमारे आईबॉल का इलोंगेशन हो जाता है, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, या फिर जो हमारी आई की कन्वर्जिंग पावर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, हाई कन्वर्जिंग पावर. सो दीज आर द टू कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट.